ये हमारे पास क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाला प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपको 3 क्यूबिट्स या टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको ये जो सैंपल होता है दिस इज़ नोन एज द रिएजेंट, ठीक है। हम प्रोटीन को यूज़ करने लगे हैं तो ये जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है टोटल प्रोटीन, दिस इज़ द रिएजेंट, ठीक हो गया। ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड, ठीक हो गया, जिसके अंदर आइडियल सिचुएशंस एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज़ द स्टैंडर्ड, ठीक है। और जो पेशेंट का होता है उसे हम कह रहे होते हैं द सीरम सैंपल, जो कि पेशेंट का सैंपल होता है, दिस इज़ नोन एज द सीरम सैंपल, ठीक है। ये वो जो कैप वाली होती थी ना, वो एक कैप टाइप वाली भी होती थी, उनके अंदर भी आता है, टेस्ट ट्यूब में भी आता है, डिपेंड्स, ठीक हो गया। अब आपने सबसे पहले जो करना होता है वो लेबल करना होता है कि दिस इज़ द ब्लैंक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और ये वाली हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब होती है और ये वाली हमारे पास टेस्ट वाली होती है, ठीक है। स्टार्ट करने लगा हूँ, हमारे पास 2 माइक्रोपिपेट्स हमें चाहिए होती हैं, एक हमारे पास क्या कहते हैं 100 to 1000 माइक्रोलीटर वाली माइक्रोपिपेट आ रही है और एक हमारे फॉर द क्या कहते हैं रिएजेंट, और जो हमारे पास सैंपल के लिए आ रही होती है दिस इज़ नोन एज द स्मॉल वाली है 10 to 100 माइक्रोलीटर वाली पिपेट, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, इसे ओपन किया, इसे हमने कर लिया ओपन, ठीक है, और हमने इसे यूज़ करने का पता है, हैंडलिंग का देख लो। सबसे पहले क्या करना होता है, इंडेक्स फिंगर शुड बी हेयर लाइक दिस, और फिर अब हमने इस तरीके से करना है। इसके 2 बटन्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। हमने जब एस्पायरेट करना होता है, रिमूव करना होता है, हमने इसे क्या करना है इस तरह दबा के, ठीक है। अब देखो हमने इसे इसके अंदर लेके गया मैं, ठीक है, और मैंने इस तरह कर दिया। अब ये देखो ये एस्पायरेट हो गया पूरा का पूरा। अब मैंने इसे ब्लैंक में डाल देना है, जरा थोड़ा डाउन करके, इसे हाथ में पकड़ के थोड़ा डाउन करके लाइक दिस, डबल प्रेस, नॉट अ सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। और आपने इसे रिमूव कर लिया, नंबर 1 हमारा काम हो गया। अब हमने हर एक के अंदर यही सेम प्रोसीजर रिपीट करना लाइक दिस। अब हमने दोबारा इसे नंबर 1 प्रेस किया, हमने इसे इनवर्ट डाला, हमने इसे एस्पायरेट किया और फिर हमने इसे स्टैंडर्ड में डाल दिया। बट बात वही है कि जब आपने रिलीज़ करना है तो आपने ज़रा थोड़ा डाउन लेके जाके डबल प्रेस करना है, नॉट अ सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, ठीक है। ये लो जी, हमने इसमें भी डाल दिया। अब हमारे पास क्या कहते हैं नंबर 3, वही सिंगल प्रेस, ठीक है, डिप इट, एस्पायरेट इट, और फिर अब हमने दोबारा क्या कहते हैं इसे, इसके अंदर ज़रा प्रिकॉशंस ये हैं कि ज़रा डाउन करके डालना है ताकि साइड्स पे ना लगे, मतलब ये है इसका, और डबल प्रेस, नॉट अ सिंगल प्रेस, ठीक है। अब हमने इसे रिमूव कर लिया। अब हमारा जो ये बड़े वाली माइक्रोपिपेट थी इसका काम ख़त्म हो गया, तो हमने क्या करना है इसे इजेक्ट कर देना लाइक दिस, ठीक हो गया। अब हमने करना है जी काम। हाँ, अब ये तो था एक यूनिफॉर्म सिचुएशन थी कि तीनों के अंदर हमने 1000 1000 1000 डाल दिया। ब्लैंक का मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर हमने 20 माइक्रोसेंस, इट इज़ द प्रोटीन, तो हमने 20 माइक्रोलीटर इसमें वाटर डालना होता है, ठीक है। हाँ, और ये अब हमने ब्लैंक में डिस्टिल्ड वाटर या वाटर सिंपल डाल देना होता है। इसका बात ये है कि इसमें ना बिकॉज दिस इज 20 माइक्रोलीटर, तो इसमें प्रेस तेरा बहुत माइनर सा होता है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से सिंगल प्रेस, डिप इट, एस्पायरेट हो गया, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपने ज़रा इसे नीचे जाके, ठीक है, देखो इस तरह जाके अंदर तक जाके इसमें डिप करके अब इसे इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। अब पीछे कर लिया, अब वो जस्ट फॉर क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन कह दो, दोबारा इसे प्रेस कर दो। अब हमने ब्लैंक का कर दिया, हमने ब्लैंक में क्या डाल दिया, हमने ब्लैंक में डाल दिया 20 क्या कहते हैं माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डाल दिया। नॉर्मली तो हमने क्या कहते हैं इन्हें चेंज करते रहना होता है, बट अभी के लिए हम यही करें। अब जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड का मतलब होता है आइडियल सिचुएशन में क्या होगा, तो ये हमारे पास आ रहा है सीरम आ रहा है प्रोटीन का, स्टैंडर्ड प्रोटीन का सोल्यूशन है। इसे हमने क्या किया जी, ओपन किया हमने, और अब हमने क्या करना जी, इसे डालने से पहले आपने प्रेस कर लेना है। ये देखो सिंगल प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है, और अब मैंने इसमें डिप किया इसे, ठीक है, और मैंने इसे एस्पायरेट कर लिया, डन हो गया। अब हमने इसे रिमूव किया। अब ये हमारी बात आ रही है स्टैंडर्ड की, दिस इज द स्टैंडर्ड। पकड़ लिया आपने टेस्ट ट्यूब, आपने अंदर तक लेके गए, इसे डिप कर देना अंदर, ठीक है, और डबल प्रेस करना है, नॉट अ सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये डबल प्रेस हो गया, फिर दोबारा आके आपने कर देना है, हो गया। अब हो गया हमारा काम स्टैंडर्ड का। नाउ वी विल बी डूइंग क्या कहते हैं द टेस्ट वाला जो होता है, जो हमारा इस सैंपल में आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली वो कैप वाले लिड्स टाइप वाली भी ट्यूब्स होती हैं, उसमें भी आता है। इसमें हर बारी में रिमूव करना है, ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास है नहीं। अब हमने इसे, ये वैक्यूम ट्यूब होती है, इसे ध्यान से करना होता है, झटका लगता है, ठीक है। अब हमने इसे एस्पायरेट करना है, वही प्रिकॉशंस यही हैं कि सबसे पहले आपने इसे सिंगल प्रेस कर देना है, ठीक है। अब आपने इसे अंदर डाला, ठीक है, और एस्पायरेट हो गया आपका काम, डन। और अब हमने इसे क्या कहते हैं इस तरीके से रख दिया। अब ये डालना है हमने टेस्ट में, जो असल
पेशेंट का है, ठीक है। इसे उसी तरीके से आगे तक लेके जाके डिप करके अब डबल प्रेस करना है, ठीक है। अब आपने डबल प्रेस करे रखना है, ये नहीं कि छोड़ देना पानी के अंदर ही, ऊपर ला के छोड़ना है और फिर ज़रा दोबारा कर देना ताकि इफ इन केस अगर कुछ रह जाए, ठीक है। तो ये हमने तीन टेस्ट ट्यूब्स बना दी हैं और ये हमारा इस ट्यूब का भी काम ख़त्म हो गया। इट मीन्स नाउ वी हैव टू इजेक्ट इट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे ऑन करना है। तो ये बैक साइड के ऊपर इसका दिस इज़ द बटन, इसे हमने ऑन कर दिया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, और अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये डिस्प्ले आ गया। कहते हैं उन्होंने लिखा हुआ ESC टेम्परेचर, तो ये ESC का बटन है, इसे हमने ESC दबा दिया। अब हमने करना है टेस्ट करना है, टेस्ट आ रहा है, ये ABS है, डिफरेंट लिखे हुए हैं, साथ इनके नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर वन हमने टेस्ट करना है, तो हमने नंबर वन को लोकेट कर दिया, हमने नंबर वन दबा दिया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ कोई प्रोटीन हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब ये देखो ये एंड के साथ हमने ये एक बटन जा रहा है, डाउन के साथ ये वाला बटन जा रहा है, इसे ट्रेस डाउन करो यहाँ तक, ठीक है। अब हमने डाउन किया, ठीक है, लाइक दिस, और फिर हमें नहीं प्रोटीन नज़र आया, फिर हमने डाउन किया, अब हमें फिर प्रोटीन नहीं नज़र आ रहा, अब हमने फिर डाउन किया ऐसा। अब देखो यहाँ करके भी हमें नहीं नज़र आया, और अब हमने क्या कहते हैं, ये इसे कर दिया। तो ये हमारे पास नंबर 43 के ऊपर टोटल प्रोटीन लेवल लिखा हुआ है। 43 का मीनिंग ये है कि अब आपने 4 और 3 दबाना है, लाइक दिस, 4 और 3, ठीक हो गया। अब हमने इसे एंटर कर देना, दिस इज़ द एंटर बटन। तो ये देखो अब उसने कह दिया मेयर वाटर, ठीक है। सबसे पहले मेयर वाटर यानी ब्लैंकिंग करनी है हमने, ठीक हो गया। तो ये हमने डिस्टिल्ड वाटर पकड़ा, ठीक है। अब हमने इसे इस तरीके से किया, इसमें डिप कर देना इसका नोजल, ठीक है। और आपका ये बटन होता है एस्पायरेट बटन, ये आपने दबाया, ठीक है, इसने एस्पायरेट कर लिया। अब रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ब्लैंकिंग हो रही है, देखो सामने नज़र आ रहा है, अब ये ब्लैंकिंग की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब हमने करना स्टैंडर्ड को, देखो स्टैंडर्ड का नंबर 2 पे बटन आ रहा है ना, तो हमने नंबर 2 तक जाना है, समझ आ गई। अब ये हमने कर दिया जी स्टैंडर्ड, अब वो कह रहा है एस्पायरेट करो स्टैंडर्ड। अब ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स बनी हुई हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो था ना, ये जो मैंने ब्लैंकिंग गलती से ये वाला कर दिया था, उसकी जगह हमने डालना है ये ब्लैंक वाला जो होता है ना, उसे हमने इस तरीके से करके एस्पायरेट करके लाइक द प्रोसीजर वे ऑफ डन, ठीक है। अब उसने कहा एस्पायरेटिंग स्टैंडर्ड, अब हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर जो है हमने इसे डिप करना है पूरा एंड तक, ठीक है, ताकि वो डिप हो जाए प्रॉपर, और अब इसे एस्पायरेट करना है। अब देखो इसने एस्पायरेट कर लिया, अब ये इसे रिमूव कर देना, ठीक है। ये डिलेइंग टाइम आ रहा होता है इसका 0.003 सेकंड्स आ रहा है, ठीक है। और ये अब हमारे पास यहाँ करके इसकी वैल्यू आ गई है, देखो ब्लैंक हमने पहले कर लिया, स्टैंडर्ड आ गया हमारे पास दिस वन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सैंपल आ रहा है ना, तो सैंपल के ऊपर अब हमारे पास आ रहा है, इस वाले बटन को हमने दबाना होता है, इस तरह हमने दबा दिया। अब उसने कहा एस्पायरेटिंग सैंपल, सैंपल का मतलब है हमने टेस्ट वाले को एस्पायरेट करवाना है, ठीक है। और इसे हमेशा मिक्स करके जब डालना होता है तो मिक्स ज़रूर करना होता है, ठीक है। अब हमने इसे एस्पायरेट किया तो लाइक दिस, ये एस्पायरेट हो गया, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। सिंस हमने ब्लैंक ये वाला यूज़ नहीं किया तो वैल्यू में वेरी, ठीक है, मगर अगर हम ये करते तो हमारा आंसर सही आता, ठीक है। नॉर्मली अब देखो हमारे पास आंसर आ रहा है अपना, क्या कहते हैं दिस वन 12.6। नॉर्मल प्रोटीन कितनी होती है हमारे पास, होती है 8 होती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आई गेस ये ज़्यादा है, रेंज से ज़रा ज़्यादा, तो इस बंदे को हाइपर प्रोटीनीमिया, तो आपका वाइबल इसी बेस पे होगा कि अगर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपर प्रोटीनीमिया, ठीक है ना, प्रोटीनीमिया, तो दिस इज़ इट।